दिन भर कोहराम मचने बाद मराठा आंदोलनकारियों से बातचीत को तैयार फडणवीस सरकार। कांग्रेस बोली, कानून में संशोधन क्यों नहीं करती सरकार। मराठा आरक्षण के आग में दिन भर जला महाराष्ट्र। नवी मुंबई में पुलिस की गाड़ियां आग के हवाले। नासिक अहमदनगर में भी हालत बेकाबू। मुंबई में बंद वापस। जीएसटी पर राहत के बावजूद लोगों को फायदे से रहना पड़ेगा महरूम। रुपए की कीमतें घटने की वजह से टीवी कार की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी। पीएम इन वेटिंग से पीछे हटने को तैयार राहुल गांधी। मोदी को हराने के लिए माया या ममता को कर सकते हैं समर्थन। बीजेपी ने किया तंज। मॉब लिंचिंग पर अब योगी आदित्यनाथ के बयान पर बवाल। यूपी के सीएम बोले, तिल का तार बना रही है कांग्रेस। महबूबा बोली, ये लोग आगे रेप को भी ठहराएंगे जायज। आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान शंकरलाल बराला पंचतत्व में विलीन। शाहपुरा में हुई अंत्येष्टि। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल पास। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों पर कसेगा शिकंजा। युगांडा की संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। चुटकुला सुनाकर भारतीय मशीनों की तारीफ की। एससीएसटी एक्ट के खिलाफ फैसला देने वाले जज पर एनडीए में रार। एलजेपी नेता चिराग पासवान बोले, एनजीटी के चेयरमैन पद से जस्टिस गोयल को हटाए सरकार। सीएम वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के सारथी बनेंगे अशोक परिणामी। सत्ता संगठन ने यात्रा को सफल बनाने के लिए शुरू की कसरत। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 अगस्त तक गिरफ्तारी से लगाई रोक। जयललिता की बेटी होने का दावा करने वाली महिला को झटका। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में रखा वीडियो, कहा प्रेग्नेंट नहीं थी अम्मा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बनते ही एक्शन में आए दीपक उप्रेती। आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर लिया बड़ा फैसला। 5 अगस्त को ही होगी आरएएस प्री 2018। लखनऊ में शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया प्रदर्शन। महिला कर्मचारियों ने सिर मुंडवाकर जताया विरोध। ऐसाड़ा दंगा मामले में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को मिली 2 साल की सजा। कुछ ही घंटे में जमानत भी मिली। लिखा इंकलाब जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। पुलिसकर्मी समेत 4 जख्मी। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भूस्खलन। ईटानगर नाहरलागुन हाईवे पर यातायात किया डायवर्ट। दिल्ली के जनकपुर स्थित भारतीय कॉलेज छात्रा ने खाया जहर। बाथरूम में मिली डेड बॉडी। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में मंडावली में एक ही परिवार के 3 लड़कियों का शव बरामद। पश्चिम बंगाल के रहने वाला था परिवार। भूखमरी से मौत की पुष्टि। पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में ऐतिहासिक फैसला। तिरुवनंतपुरम की सीबीआई कोर्ट ने 2 पुलिस वालों को सुनाई मौत की सजा। बीकानेर में शुरू हुआ डिजिटल क्रांति का मेला। डीजी फेस्ट में देशभर से जुटा युवा टैलेंट। रन फॉर फन को क्रिकेटर रणवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। 27 जुलाई को सीएम भी करेंगे शिरकत। करगिल विजय दिवस की 19वीं वर्षगांठ कल। पाकिस्तान को परास्त करने वाले वीर शहीदों को आज से ही दी जा रही है श्रद्धांजलि। पाकिस्तान में आम चुनाव के दौरान क्वेटा में ब्लास्ट। 35 लोगों की मौत। कई लोग हुए जख्मी। दिनभर वोटिंग के बाद पाकिस्तान में शुरू हुई काउंटिंग। थोड़ी देर में आने लगेंगे रुझान। रेस में सबसे आगे इमरान खान।